कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की गोयल अवार्ड ने वर्ष 2014-15 व वर्ष 2016-17 के लिए दिए जाने वाले गोयल शांति पुरस्कार सामाजिक व पर्यावरण की रक्षा में योगदान के लिए विश्वविख्यात एकल फाउंडेशन के संस्थापक श्याम गुप्ता व ईको बाबा के नाम से विख्यात संत बलबीर सिंह सिचेवाल को दिया गया। विश्वविद्यालय के आर.के. सदन में होने वाले समारोह में हरियाणा के कृषि मंत्री ओ.पी. धनखड़ ने दोनों विभूतियों को अवार्ड प्रदान किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने दोनों ही विजेताओं को बधाई दी। मैं महसूस कर रहा हूँ कि देश के पढ़े लिखे लोग, विद्यार्थी, देश के दर्द को समझ रहे हैं। यह देश के लिए बहुत शुभ है, क्योंकि अभी तक उस समाज की किसी ने इज्जत नहीं की। आज उस समाज की सेवा करने वालों को पुरस्कार मिल रहा है, माने स्वीकार कर रहे हैं लोग, ये देश के लिए शुभ है। मैं इसका बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तो जिन्होंने गोयल अवार्ड जड़ा है दे के सम्मान किया। ये अवार्ड उन्होंने लोगों वास्ते आ जिन्हें उन्होंने सम्मान आ, जिन्हें लोगों ने वातावरण बचाने वास्ते, पानिया बचाने वास्ते, कुदरत नूं बचाउण वास्ते जो उपराले कीते, प्लांटेशन पवित्र वेईं दी सेवा। सो असीं बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पवित्र कार्ज नूं सन्मान कर रहे हैं, ते गुरु पातशाह कृपा करन इस तरह ही ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन दे विच होर सारे इन्हां कार्जां दे विच अगे वध के जिहड़ा हिस्सा पा सकन। श्रीमती श्री राम स्वरूप गोयल शांति पुरस्कार। मैं सबसे पहले तो रामस्वरूप गोयल जी, उनकी धर्मपत्नी, उस परिवार का वंदन करता हूँ कि उन्होंने बड़ी दूर की सोच रखते हुए वैज्ञानिकों को और सामाजिक क्षेत्र में अच्छे काम करने वालों के लिए अपनी निजी संपत्ति दी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को दी, और उसके कारण से लोगों को कैसे प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले, और जैसा जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको पहचान मिले, ये पुरस्कार उन्होंने प्रारंभ कराया। आज संत सिचेवाल जी और श्याम जी गुप्त को जो पुरस्कार दिया गया, दोनों ही बहुत प्रतिष्ठित शख्सियत हैं। सिचेवाल जी ने जिस प्रकार से कालीबेन नदी को सुधारा है, जिस तरह से पर्यावरण के लिए काम करते हैं, जिस प्रकार से वृक्षारोपण कराते हैं, बहुत ही बड़ा उनका काम है जिसकी दुनिया देशव्यापी नहीं विश्वव्यापी पहचान है। ऐसे ही एक क्रांति श्याम जी गुप्त लेकर आए कि स्कूल तक अगर बच्चे नहीं पहुंच सकते तो स्कूल कैसे बच्चों तक पहुंच सकता है, और एकल टीचर की जो इतनी बड़ी श्रृंखला खड़ी की जिसमें लाखों विद्यार्थी और हज़ारों विद्यालय आज चल रहे हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक शिक्षा के मनीषी के रूप में लगाई। मैं ये कहूँगा कि ये दोनों शख्सियतों से पुरस्कार भी सम्मानित हुआ है, ऐसे सम्मानित दोनों आज के पुरस्कार प्राप्त करता है। मैं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया विश्वविद्यालय ने, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ।